तक माने रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, हजारों 10,000 से ज्यादा वालदेन आए हुए हैं। जेडीसी का जो हाउस ऑफ एजुकेशन स्कूल है वहां पे फॉर्म लेने, जहां इंटरनेशनल सतह की तालीम, एक एक बच्चे पे महीने के 16,000 से 18,000 रुपए खर्चा आएगा एक एक महीने का, लेकिन एक रुपया फीस ली जाएगी, इंटरनेशनल सतह का स्कूल है। आप ये देखेंगे 10,000 से ज्यादा वालदेन आ चुके हैं, इस वक्त लाइन लगी हुई है। हमारी पूरी कोशिश है, जितने भी लोग आ रहे हैं हम पहले 2,000 वालदेन को फॉर्म देंगे, वो हमने ऐलान किया था, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटी है स्कूल की उस हिसाब को देखते हुए चलेंगे। एक दफा फिर सिंध गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जगह दी, फयाज साहब जो हमारे डोनर हैं, रियाज साहब अमेरिका वाले, उनका शुक्रिया जिन्होंने इसके लिए पैसा दिया। और अब जो आगे तालीम होगी वो आपके सामने, आप सब लोग आए जेडीसी के साथ जुड़ जाएं और ये देखें कि लोगों की ख्वाहिश क्या है, इन वालदेन की आरजू क्या है। इनकी सिर्फ ये आरजू है कि इनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लें, इनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लें, इनके बच्चे भी उसी तरह पढ़ लें जिस तरह मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ते हैं, वही स्टैंडर्ड होगा। इंटरनेशनल सतह के प्रिंसिपल हैं, इंटरनेशनल जो है यहाँ पर टीचर्स हैं, सारा वही स्टैंडर्ड है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मीलों तक मर्दों और औरतों की लाइनें, अगर आप देखें मीलों तक देखें, सुबह का 7:30 बज रहे हैं और लाइन देखें कहाँ से आ रही है, ये लाइन सीधा जाके फिर सीधे हाथ पे मुड़ी है और तकरीबन 1 किलोमीटर से लंबी लाइन है। हमारी पूरी कोशिश है, जितने लोग आए हैं सबको फॉर्म दिया, लेकिन पहले 2,000 फैमिलीज जो उनको फॉर्म दिए जाएंगे, फिर उनका टेस्ट होगा, दीगर चीजें होंगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। हाउस ऑफ एजुकेशन जो डीडीसी का स्कूल आ रहा है इंटरनेशनल सतह का, जहां पर बच्चों को बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाएगी इंटरनेशनल सतह की, ये उस पर लोगों का रश है, लोग अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं। खुदा के लिए हुकूमत भी देखे ये चीज। चलो हाँ, ये एक बच्चा आया छोटा सा, क्या क्यों आया बोले बताओ, क्या तोहफा दे रहे हो? बहुत शुक्रिया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफा, बहुत प्यारे सर, थैंक यू भाई, थैंक्स। एक बार कैसे हो भाई?